शिंदे गुट के इन नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सामने आई बड़ी खबर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को सरकार की कमान संभाली है। उनके पदभार ग्रहण करने के 39 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट में 28 पद खाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के कारण विस्तार रुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसमें शिंदे सरकार को राहत मिली थी। इसी के चलते कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू हो गई थी। कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने गुट के मंत्रियों की सूची तैयार की है। दूसरी ओर बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। जेपी नड्डा गुरुवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के मौके पर प्रदेश आए थे। इस दौरान विस्तार को लेकर उनसे चर्चा हुई। TV9 मराठी के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इसके चलते 23 या 24 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा। शिंदे गुट ने तैयार की लिस्ट। शिंदे गुट के मंत्रिमंडल विस्तार की सूची भी तैयार कर ली गई है। सूची में विधायक बच्चू कड़ू, प्रताप सरनायक, सदा सरवनकर, चिमन राव पाटिल, भरत गोगावले, संजय सिरसाट, यामिनी यादव और कुछ अन्य शामिल हैं। अभी 2 दिन पहले ही सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए थे। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बच्चू कड़ू ने क्या कहा? प्रहार संगठन के नेता बच्चू कड़ू ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट विस्तार में कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। इस विस्तार में मेरा किरदार कब शामिल होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुझे अपना वचन दिया है, वे अपनी बात रखेंगे, यह तय है।